हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज से हम आपके लिए पर डे एटलीस्ट 3 वीडियोस आपके लिए छोटे शॉर्ट वीडियोस के तौर पे आएंगे, जिसमें हम वोकैब को सीखेंगे, जिसमें हम सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओडब्ल्यूएस एंड ईडियम और फ्रेजेस को करेंगे। तो आज का फर्स्ट वीडियो जो है और फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वर्ड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा प्रोवोक। प्रोवोक का हमें बताना है एंटोनिम्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपीस, बेकॉन, एनकरेज, स्टिमुलेट। इन सभी में से आपको बताना है प्रोवोक शब्द का एंटोनिम्स। हम जब एंटोनिम्स ढूंढते तो सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चंस का मतलब पता चलता, तब हम बेहतर तरीके से बता पाते हैं। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, भड़काना या नाराज करना। सही जवाब है अपीज। अपीज का मतलब होता है मनाना या तृप्त करना या खुश करना। कुछ सेनोनिम्स देखेंगे, रिलेटेड सेनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। प्रोवोक का सेनोनिम्स होगा अनॉय करना, ऑफेंड करना, इरिटेट करना, इनफ्यूरिएट करना, एग्रीवेट करना, इनसेंस करना या एनरेज करना। अब बात करेंगे प्रोवोक के एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स होगा काम, अपीस, placate, quiet, soothe, pacify, mollify and propitiate। तो ये सारे हो गए प्रोवोक के एंटोनिम्स। अब हम देखेंगे बचे हुए शब्दों का मतलब। बेकॉन, बेकॉन का मतलब होता है इशारा करना या इशारे या संकेत में किसी को बुलाना। जब हम अपने आंखों के इशारे से या फेस के एक्सप्रेशन से किसी को बुलाते हैं, उसे बेकॉन कहते हैं। एनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना। जब हम किसी को प्रोत्साहित या उत्साहित करते, दैट इज एनकरेज। स्टिमुलेट का मतलब उकसाना। तो हम कह सकते हैं कि प्रोवोक का जो सिनोनिम्स होगा वो स्टिमुलेट भी होगा। ऊपर में सिनोनिम्स में नहीं है तो आप इसको सिनोनिम्स के रूप में भी ऐड कर सकते हैं। यानी जो डी ऑप्शन है वो प्रोवोक शब्द का सिनोनिम्स है। चलिए, तो ये था फर्स्ट डे फर्स्ट वीडियो एंड आई होप ये शॉर्ट वीडियोस आपको पसंद आएंगे और आपको पर डे एटलीस्ट 2 और 3 वीडियोस इस तरह के मिलते रहेंगे।